राष्ट्रीय सचिव उपेंद्र जी, पूर्व मंत्री सुभाष जी, प्रदेश महामंत्री कालीचरण जी सराफ, सांसद विशल जी, विधायक राधेश्याम जी गंगानगर, पूर्व सांसद निहाल जी और पूर्व मंत्री सुरेंद्र जी, विधायक अभिषेक जी, पूर्व विधायक लालचंद जी, पूर्व जिला प्रमुख दमयंती जी, टीसी बैंक के चेयरमैन का गुरदीप सिंह जी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र जी मोची, विधानसभा प्रभारी श्रीकांत जी यादव, नगरपालिका के चेयरमैन साहब सुशीला जी, सुशील जी मिड्डा और मेरे सामने यहाँ उपस्थित इतनी भारी संख्या में सबसे पहले मेरी माता बहने और फिर मेरे साथ बाल बुजुर्ग चाहिए था वो मूलभूत हमारी चीजें नहीं हमें मिल रही है। उसमें सबसे पहले है पानी, पानी की जोरदार समस्या है और जो मैंने यहां पता किया वो इस क्षेत्र के अंदर भी पानी की बहुत जोरदार समस्या। इतनी चिंताजनक है रायसिंहनगर के अंदर जलदाय विभाग ये प्रेजर को सप्लाई नहीं कर पा रहा है और मैंने देखा कि अगर फिल्टर प्लांट लग जाता तो इस प्रेजर प्लांट की वजह से आप लोगों को शुद्ध प्रेजर घरों के अंदर मिलने का काम हो जाता। मैं समझती हूँ कि आने वाली सरकार के अंदर सबसे पहले ये फिल्टर प्लांट का इंतजाम हम लोग करके जाएंगे ताकि शुद्ध प्रेजर आप सबके पास पहुंच सके। ग्रामीणों को तो विचारों को 500 रुपए देने से ट्रैक्टर खरीदने पड़ रहे हैं और इनकी कितनी हैसियत है ये आप लोग सब जानते हो, कितने मुसीबत में से निकलना पड़ रहा है। और आज अगर 65 साल के बाद हम लोग अपने घरों और गांव के अंदर साफ पानी नहीं पी सकते तो मेरी सरकार का क्या मतलब रहा है? क्या किया आपको? इसके साथ साथ बिजली की टोटल अव्यवस्था है। मैं जब पता किया तो किसानों के पास 3 या 4 घंटे बड़ी मुश्किल से बिजली मिलती है वो भी ट्रिपिक के साथ, और माता बहनों को जो बिजली हमने सिंगल फेज के घरों में दी है तो जब मैं जा रही थी 2008 के अंदर तो 18 घंटे तक 20 घंटे तक बिजली हम लोगों ने घरों के अंदर लाने का काम किया था। आठ या 9 घंटे बिजली और वो भी मुश्किल से। मैं माता बहनों को सबको कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आएगी तो 24 घंटे घरों की बिजली, घरेलू बिजली आप लोगों को मिलने वाली है। इसका मैंने सबको कह दिया है, जगह जगह पर कह दिया है। जाने से पहले अगर कर सकती थी तो आने वाले 5 साल के अंदर भी हम लोग इसको करके छोड़ेंगे, उसकी आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसानों को उनके कनाल की मुसीबत के ऊपर देखना चाहते हैं। खाले हम लोगों ने पक्के करने की कोशिश की थी, बहुत कुछ खाले हम लोगों ने बना दिए थे, बहुत कुछ खाले रह गए थे, उन खालों को पक्का करने का काम आने वाले समय के अंदर अपन जाके करेंगे। जो कनाल साफ थे जिनके अंदर गंदगी और मच्छी पड़ी हुई थी उन कनाल को साफ करने का काम अवैध है आखिरी 2 साल के अंदर करने का शुरू किया था। और मैं गर्व से ये कह सकती हूँ कि पहली दफा इतने सालों बाद आपके लोगों को ठीक करके ऊपर से नीचे तेल तक हम लोगों ने पानी पहुंचाने का काम किया और जब जब तो कनाल थी उनको भी ठीक करने का काम किया। इन सबको
आगे बढ़ाएंगे। ये मशीनें वहां खड़ी हुई है, परंतु ये पिछले सालों में उनकी सफाई नहीं हुई है और सिर्फ डीजल के अभाव में ये मशीन इस्तेमाल नहीं करी गई है। इससे भी बड़ा बात क्या हो सकता है, वो तो करना हम लोगों को, मैं कहती हूं हम लोगों को मुक्त। इसको वापस लाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को भी हटाने का हम पूरी तरह से काम करेंगे। मुझे समझ में नहीं आता माताएं बहने, मैं जहां जहां मैं पूछते आ रही हूं वहां मेरे को सब लोग ये कहते हैं कि महिला डॉक्टर की कमी है। आपके यहां भी कमी है? आपके यहां भी नहीं है महिला डॉक्टर? समझ में नहीं आता कहां चली गई है। डॉक्टर की इतनी बेहद कमी और महिला डॉक्टर कहीं भी नहीं है। 108 एम्बुलेंस बंद पड़ी है। अल्ट्रासाउंड की मशीन हमने लगाई थी, आज पूरी तरह से वो बंद पड़ी हुई है। और ब्लड बैंक खोला था, वो ब्लड बैंक भी आज बंद पड़ा हुआ है। माने ये तो सिस्टम है, जो भी हम लोग आगे बढ़े थे, अगर हमने 3 कदम आगे लिए थे तो ये 2.5 कदम पीछे लेने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं सकती हूँ कि जो भी ऐसा काम करता है उसको उस कुर्सी के अंदर बैठने का हक नहीं है, उसको उतारने का काम हम और आप मिलकर करेंगे। अभी मैं आपके रायसिंह नगर के अंदर आई, आपकी सड़कों की क्या हालत है, कैसी जर्जर सड़क, और वो भी सिटी के अंदर। हम तो कितने मुश्किल से यहां तक पहुंच पाए हैं, ऐसे बच्चे खाते हुए आपके सड़कों पर से उतरने का काम यहां हुआ है। मैं समझती हूं कि खाना खाके बस में बैठो और रायसिंह नगर के रास्ते पे चलो तो शायद वो खाना कुछ ही मिनटों के अंदर हजम हो जाएगा। अब मैं गांव ठंडी में, मैं खाली एक उदाहरण देना चाहती हूं, गांव ठंडी के अंदर हम लोगों ने एक नवोदय विद्यालय स्वीकृत किया था, याद है आपको? 50 बीघा भूमि हम लोगों ने आवंटन की थी, आज उसको निरस्त कर दिया है। तो समझ में नहीं आता क्या है, स्कूल को कितनी मुश्किल से लाना और उसको निरस्त कर देना। अध्यापक भी 30-40% अपने स्कूलों के अंदर नहीं है, इतनी कमी की वजह से बच्चे भी सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आज न पानी है, न बिजली है, न सड़क है, न डॉक्टर है, न टीचर है। और आज ये स्थिति है राजस्थान के अंदर कि राजस्थान का विकास पूरी तरह से पिछले 4.5 साल के अंदर थम के पड़ा हुआ है। आज मालूम नहीं आप लोगों ने अखबार पढ़ा ही होगा, उसमें मावली और भिंडर उदयपुर की सभाओं इस मुख्यमंत्री ने यह कहा कि युवाओं को मास्टर बनाने का हमारे ऊपर आरोप लगाया कि मास्टर क्यों बनाते हो, आखिर भाजपा युवाओं को केवल मास्टर ही क्यों बनाना चाहता है, ये प्रश्न पूछता है ये मुख्यमंत्री। मैंने कहा कि पढ़ाई लिखाई तो सबसे बड़ी चीज होती है, अगर हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो प्रदेश का आगे बढ़ेगा। आज मैं अगर यहां खड़ी हूं तो पढ़ाई लिखाई की वजह से, अगर आप लोग यहां खड़े हो तो आप लोगों ने भी पढ़ा है लिखा है इसलिए आप यहां हैं। हमारे गुरुजनों की वजह से आज हमारा प्रदेश है जो सो है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि हमारे टीचर्स को, गुरुजनों को जो भी अपमान करता है उसको क्या वो कुर्सी पे बैठने का हक है? मैं पूछना चाहती हूं भाई और बहनों, मैंने अपने समय में बच्चों को पढ़ा के और Thank you.
साल से
होती आ रही है उसी स्थिति के अंदर हमको फिर से बैठना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रही हूं हिम्मत है क्या, है क्या हिम्मत? आपकी हिम्मत है तो हम लोग ये तय कर लें कि साथ मिलके एक खुशहाल समृद्ध विकसित राजस्थान हम लोग बनाएंगे, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हम सबका स्वाभिमान आपको वापस दिया जाएगा, एक ऐसा राजस्थान जिसमें इज्जत के साथ आप रुकेंगे। और अगर आप लोग तैयार हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मूर्ति बना के राजस्थान का एक नारा, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। और याद रखो भारतीय जनता पार्टी, और जब आपको वो चेक मिलेंगे मेरी याद हुई रखना, चेक मिले कितनी याद रखना। सब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार माता बहने।